विज्ञान का युग है, हम तो चाहते हैं कि ऐसी कोई तकनीक आ जाए जिससे बच्चे देख लें या कोई ऐसा अनुभव कर लें हाथ लगा करके कि जैसे हमको बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहा हो। आशाएं तो हमारी ऐसी है, लेकिन अब कब होता है क्या होता है ये विज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमारा तो इतना ही प्रयास है कि हम जितनी अच्छी से अच्छी इनको तालीम दे सकते हैं, जितनी अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं वो देने का भरसक प्रयास करते हैं और आशा करते हैं कि आगे जाकर के ये ऐसी ऊंचाइयां छुए जो आज तक किसी ने नहीं छुई हो। और हमारे तो अब भी यही है, कई बच्चे ऐसे हैं हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चे पढ़े हुए, कम से कम 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो कोई टीचर बन गए, IAS भी बने हैं और RAS में भी सिलेक्शन हुए हैं और बड़े बड़े बैंकों में इनमें तो कई लगते ही हैं, कई और अच्छी जगह पर पहुंच गए इसी स्कूल के बच्चे। ये तो बहुत प्राउड होने की बात है। बिल्कुल, हमको भी खुद को प्राउड है, इस बात का गर्व है कि हमारा पढ़ा हुआ, हमारे नींव रखा हुआ बच्चा आज एक ऊंचाई छू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। और हम भी आशा, अब हमारे यहाँ भावी योजना है, हम अब बच्चा यहाँ के बजाय दूसरी जगह जाए उसके अच्छा है कि हम यहीं बच्चे को रखें, उसको 10वीं 11वीं 12वीं कराएं। अच्छा। तो हम राज्य सरकार से हमने मांग की है कि हमको ऐसी मान्यता दें ताकि हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहीं खोल दें और बच्चा यहीं अध्ययन करे, उसके बाद तो जनरल स्कूल में भी बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि ब्रेल सीख जाता है तो उसके बाद पढ़ाई जनरल रह जाती है, कॉलेज में जाके एडमिशन ले लें, ब्रेल में अपना सुने और ब्रेल में नोट कर लें, पढ़ाई करें। उनका माध्यम है टैप रिकॉर्डर होते हैं इनके, टैप रिकॉर्डर में अपनी शिक्षा को पढ़ें, उसमें पढ़ लें और उसके बाद सुनते रहें, उससे अपना अध्ययन करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। इनका एक माध्यम है, क्योंकि आजकल किताबें फर्स्ट ईयर के बाद कोई किताबें ऐसी छपी नहीं है ब्रेल के अंदर, तो इनको जनरल किताबें ही पढ़नी पड़ती है। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर जो होता है, बीए के जो बीएससी या बीकॉम जो भी करना होता है उसकी किताबें आज तक कहीं छपी नहीं, ब्रेल लिपि में कोई किताबें नहीं है। तो ये इनका माध्यम होता है, या तो किसी दूसरे से सुन करके या टैप रिकॉर्डर के माध्यम से टैप करके उसको सुन करके अपना अध्ययन करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इनकी किताबें भी छपें ब्रेल में, और ब्रेल में किताब छप करके इसका अध्ययन करें। तो मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे या 100 में से 10 ये बच्चे जो बीए कर पाते हैं, हो सकता है 100 में से 50 बच्चे बीए करने लग जाएं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे उससे, क्योंकि उनको साधन मिल जाएगा पढ़ने का, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में टैप रिकॉर्डर होना या सुविधाएं होना लाजमी नहीं है। कोई गांव में रहते हैं, लाइटें ही नहीं आती है, कैसे पढ़ाई करें? गांव में अनपढ़ लोग होते हैं, उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, कौन पढ़ाए उनको? किसी के पास इतना समय नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे उसको बैठ के पढ़ के सुनाते हैं, और फिर एक दिन की पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई होती है साल भर की, एक दिन में पढ़ नहीं सकता, साल भर कोई उसके साथ बैठ नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में उसका साथी टैप रिकॉर्डर होता है, टैप रिकॉर्डर में टैप किया जाए और वो अपने आराम से सुनता रहे, जब चाहे जब पढ़ लिए, जब चाहे जब बंद कर दिए। ऐसी हमारी है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमको बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम यहाँ के आपसे मिले और सारे बच्चों से मिले। तो देखिए इंशाल्लाह अगले साल ये जब भी फिर से मिलेंगे, और तब तक अच्छी खासी और हमारी ये होप है कि और बढ़ोतरी आ जाएगी सारी चीज़ों में, फिर आपसे मुलाकात होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे हम भी आपसे आशा करते हैं, हम आपको बहुत बहुत हृदय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आप इतनी दूर से पधारे, आपने इसमें रुचि दिखाई, बच्चे प्रसन्न है, अध्यापक प्रसन्न है, सब आपको देख के खुश हैं। और हम आपसे इतनी जरूर आशा करते हैं कि जहाँ भी रहें आप, हमारी जो एक फाइनेंशियल पोजीशन जो कमज़ोर है, इसकी तरफ आप ध्यान दें किसी भी तरीके से, किसी भी वे में। अगर इसकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्कूल 10वीं 11वीं नहीं, हम इसको कॉलेज के स्तर तक भी ले जा सकते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन ये है कि तो बच्चों के बारे आप, में दुनिया आप जहाँ भी जाएं, आप कहीं भी रहें, किसी से भी बात करें, आप इतना अवश्य बताएं कि जयपुर में एक स्कूल है जो इन नेत्रहीनों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, अच्छा है। 10 बच्चे भी अगर सीख करके अपने पैरों पर स्वावलंबी बन जाते हैं तो आप लोगों का हम हृदय दिल से बड़े शुक्रगुजार होंगे कि वो बच्चे आपके प्रयास से, आपके सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। हम तो आपसे यही आशा करते हैं, आप निकट भविष्य में पधारें, रोज आएं, रोज फोन पे बात करें, रोज हमारे पत्र व्यवहार करें, लेकिन अवश्य करें, आप संपर्क हमसे बनाए रखें। बिल्कुल, 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 हम आपसे यही आशा रखते हैं। और जहाँ भी आप रहें वहाँ
इस विद्यालय को जरूर ध्यान में रखें कि हमें कुछ करके इसके लिए कुछ करना है। आपने इतना बड़ा हाथ डाला है तो हम जरूर हम आपको हृदय दिल से हम शुभकामना देते हैं कि आप इससे भी चार गुना आप जो है तरक्की करें और हमारे इस स्कूल को बढ़ाने में सहयोग करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, सदैव आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से।